हर किसी का सपना होता है फ्रेंड्स उनका घर साफ सुथरा ऑर्गेनाइज हो, सब चीज व्यवस्थित हो, और उसके लिए हमें चाहिए ढेर सारे ऑर्गेनाइजर्स। अब इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स हम मार्केट से तो खरीद नहीं सकते, तो मैं आपसे हमेशा ही बोलती हूँ कि आप जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना अच्छी क्वालिटी के, उन्हें कभी मत फेंकिए, उनसे आप ढेर सारे DIY कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी फ्रेंड, जो भी अच्छी क्वालिटी के बॉक्स थे वो मैंने रख लिए थे, और पीछे जो आप वॉलपेपर देख रहे थे उसी में से कुछ टुकड़े हमारे बच गए थे, बिल्कुल वेस्ट थे, वो हमें डस्टबिन में ही थ्रो करने थे, तो वही जो है मैंने इसके ऊपर रैप कर दिए है। और इसमें सिर्फ फ्रेंड्स आप मानेंगे मेरा थोड़ा सा फेविकोल का ही खर्चा है, बाकी कुछ भी इसमें मेरा वेस्ट नहीं हुआ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि जरूरी नहीं है कि हम पैसा खर्च करके मार्केट से सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर लाए तभी अपने घर को ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखा सकते। देखिए छोटे छोटे हम DIY करके थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अलग अलग छोटे बड़े जो भी बॉक्स थे बना लिए, और इनमें देखिए चीज़ें हमारी एक जगह व्यवस्थित भी हो जाती है। और वैसे तो देखिए इनको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो बॉक्सेज हैं मैं ड्रॉर के अंदर ही रखूंगी, लेकिन अब ये वेस्ट ही था तो मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया है। तो थोड़ा सा मेरा टाइम लगा, थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन ये देखने में अब देखिए थोड़ा सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारे घर में फ्रेंड्स छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए हमें ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत होती है, और ये जो बड़ा बॉक्स है ना फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इसे मैं ऊपर लॉफ्ट में रखूंगी, जो भी दिवाली का मेरा डेकोरेशन से रिलेटेड सामान है वो सब मैं इस एक बॉक्स में रख दूंगी, अभी सब अलग अलग फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा एक बॉक्स।